काय का सीसी है? दारू का। कौन सा है बताओ बताओ, कौन से है? आई डोंट नो। ऐसा कभी नहीं हुआ जो मुझे संडे वीडियो बनाना हो, ब्लॉग करना हो और मैं ब्लॉग करना भूल जाऊं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और मैं भूल गया था ब्लॉग बनाना, अभी अचानक याद आया और ब्लॉग देख रहा था, फेवरेट यूट्यूबर का ब्लॉग देख रहा था मैं, तब याद आया अरे यार मेरा ब्लॉग तो बना ही नहीं है, मतलब शुरू हुआ ही नहीं है। तो फिलहाल मैं अभी शुरू किया और पूरे आज दिनचर्या क्या क्या रहेगा आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो अभी मैं अपना जो रिव्यू चैनल है मेरा टॉक विद राज, मूवी और वेब सीरीज रिव्यू जिसमें करते हैं ट्रेलर वगैरह का, वो अपना खुद का मैं समसेरा का रिव्यू देख रहा हूँ। अभी जस्ट अपलोड हुआ है, दो बार अपलोड होने के बाद तीसरे बार में अपलोड हुआ है, दो बार फेल्ड हो गया था पता नहीं क्यों, और सुबह मोबाइल कहीं और था तो मैं डालना भूल गया था। तो अभी आप देख रहे हैं और मेरे चैनल में जाकर आप सब्सक्राइब जरूर करिए टॉक विद राज। मैं लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस में देते रहता हूँ जो मेरे से व्हाट्सएप से जुड़े हैं, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मेरे दूसरे चैनल का लिंक, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो और अभी मैं शीतला तालाब आया, यहाँ पे ये कौन सा सीसी है भाई? पानी पाउच शीतला मंदिर के पास, और पानी पाउच और क्या है? सीसी। काय का सीसी है? दारू का। कौन सा है बताओ बताओ, कौन से है? आई डोंट नो। अरे भाई, मंदिर दीवालों को छोड़ दो। हाँ तो लास्ट फ्रेम में देखा आपने, मैं गाड़ी का टायर खुलवाया था, वो वॉल ना 2 जुलाई से थोड़ा परेशान कर रहा था, हवा धीरे धीरे खुलते खुलते अचानक से पूरा खुल जाता था, तो उसको चेंज करवाए हम। और उसके बाद थोड़ा तालाब साइड घूम के जाने का प्लान था, स्थरौद नहीं गए, थोड़ा कैंसिल हो गया प्लान में, तो कल हो सकता है जा सके। तो फिलहाल अभी थोड़ा तालाब साइड आ गया, बहुत दिन हो गया नहीं आए थे। और ये वो छोटा सा तालाब है जहाँ हम बोटिंग किए हैं एक दो बार, बाकी अपना ये वाला तालाब तो सब जानते हो, बड़ा तालाब। अरे बोट कहाँ है? बोट निकाल दिए का? अरे बोट को तो निकाल कर रख दिए हैं, होता तो अगर कर लेते। हर हर महादेव। और ये वही मंदिर है जहाँ हम अपने पशुपतिनाथ के व्रत पूरा किए हैं, एकदम एकांत में, यहाँ ज़्यादा कोई नहीं आते हैं इसलिए। और भाई बाकी जगह तो बहुत भीड़ रहता था, और अभी तो इतना ट्रेंड हो गया है पशुपतिनाथ का तो क्या ही बताएं। और पानी अच्छा खासा भर गया है अभी फिलहाल बरसात के चलते, और इधर को बताया था ना पूरा इमली का पेड़ लाइन से बचपन में आते थे, कितना कूदते हैं, बहुत बहुत, हमारा तो बचपन जीते। आम के पेड़ पूरा कट गया? कैसे? आम के पेड़ पूरा कट गए, टूट गए, वो एक ही आम के पेड़ वो जो है तेन है नहीं, बाकी तो एक तो पूरा जल गए, एती के पूरा हवा में टूट गए। चार आम के पेड़ बहुत ज्यादा अच्छा रिस, चार आम के पेड़ यही आसपास एक आम का पेड़ था जिसको बीच में अभी बहुत सारे अजगर तालाब के आसपास और गांव में दिखाई देते थे, और तालाब में बहुत सारे अजगर थे, तो एक बार पेड़ में 2 अजगर मिले थे, तो उसके चक्कर में पेड़ थोड़ा सूख गया था, तो वो टहनी को जलाने के चक्कर में पूरा पेड़ ही जला दिए थे, तो उस चक्कर में वो गया था, बाकी इधर का कट गया टूट गया था। और मतलब 4-5 ऐसे आम के पेड़ थे जिसमें बहुत सारे आम फलते थे, अब वो रहे नहीं। तो फिलहाल बहुत दिनों बाद फिर से दर्शन करिए यहाँ का महादेव जी का। पहले था यहाँ पे बहुत सारे कमल थे, कमल थे, जल कुंभियाँ थी पूरे तालाब में, उससे क्या कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो उस कीचड़ के कारण, उस कमल के कारण पानी का मतलब तालाब का पानी साफ रहता है, लेकिन अब नहीं है तो तालाब का पानी बहुत गंदा हो गया है, अब लोग नहाने से बचते हैं और प्रॉब्लम हो रही है। तालाब सौंदर्यीकरण होने वाला था,
कई बार मीटिंग वगैरह हुआ, लेकिन पता नहीं उसके बाद प्रोजेक्ट कहाँ गया ना कहाँ। लेकिन सौंदर्यकरण की ज़रूरत है और तालाब को गहरीकरण की भी ज़रूरत है। सफाई की सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे गांव के तालाब के फिलहाल। और यहाँ पे सांप वगैरह दिखते रहते हैं छोटे मोटे। फिलहाल शांति है। तो मौसम तो अच्छा है, पानी गिरने का आसार है कि नहीं है? कुछ 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 रात को शायद अब पहले जैसे मजा तालाब में? पहले जैसे मजा अब कहाँ। बचपन तो बचपन था, बहुत था, बहुत अच्छा था। आपके बच्चों को फीलिंग नहीं आती वैसा। आप तो सिर्फ कहाँ घुसे रहते हैं? ऑनलाइन तैराकी होता है। हाँ, मोबाइल में। तो आशीष नाम के एक लड़का ही से महाराज, आशीष भरत महाराज के लड़का। हाँ, नेवी में है। हाँ हाँ, बेचारा बुड़ गई इस वहाँ पे है, लेकिन चमत्कार देखो आज नेवी में है। वही तो मैं कहा था, नेवी में और पानी में बुड़ गई थी, ओकर बाद सीखी सोई तैराकी वगैरह। अभी बरसात का टाइम चल रहा है तो अभी मछली लोग ऐसे बहुत सारे ऐसे उछल उछल के कूदते रहते हैं इधर, और हम लोग बाजार से होकर आए फिर भी मुर्रा या लाई लेकर आना भूल गए। अभी देखते हैं यहाँ पे डालते ना तो बहुत सारे मछली इकट्ठा हो जाते, लेकिन हम लोग भूल गए। आपको आना है तो लेके आओ। झूल झूल। देख तार के ऊपर मत फेंका जावे। पहली बात दे मन में चला ना, बड़े बड़े में आप तो पूरा रोका छेका हो गए सब। बचपन में तो अक्यूपाइड अक्यूपाइड क्या बोलते वाला, अक्यूपाइड लैंड हो चुके हैं, घेराव वाला जमीन। तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं एंड, और बहुत टाइम हो चुका है, घर आ गया, फिर कुछ कुछ खा लिया, अब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, सोने का मन हो रहा है, और लास्ट हो गया, तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चैनल सब्सक्राइब करिए, आजकल कम करते हैं आप।